जो मुख्य बीमारी है वो है बैक्टीरियल लिव ब्लाइट, जो पत्ते में झुलसा रोग के नाम पे परिचित है। किशन भाइयों, मेरा हाथ पे ये जो बैक्टीरियल झुलसा रोग है, जो बीमारी है, इसकी जो लक्षण है आप देखिए। शुरुआत में ऐसी इस टाइप का दिखते हैं, इसमें ऊपर से सूख जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो सूखा हुआ पोर्शन नीचे नीचे फैलते हैं और उसके बाद सारे पत्ते ऐसे सूख जाते हैं। इस बीमारियों को पहचानने के लिए और एक छोटा सा टेस्ट करके मैं दिखाऊंगा। मेरा हाथ पे दो कल्चर टेस्ट ट्यूब है और इसमें विशुद्ध पानी है और इसमें हमने जो बीमारी वाला पत्ते हैं उसको तोड़ के हम इसमें डुबाएंगे। जैसे मैंने इसका काटा अंत पानी के अंदर होना चाहिए, उसके बाद एक दो मिनट के बाद इस काटा अंत से आप देखेंगे जो धुआं जैसे चीज़ें निकलते रहेगा और ये कुछ देर बाद 5 से 10 मिनट के बाद ये पानी का जो कलर है वो धुंधला हो जाएगा और इससे आपका सही पहचान है जो ये बीमारी बैक्टीरियल लिव ब्लाइट और जीवाणु झुलसा रोग द्वारा संक्रमित है। उसके रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना पड़ेगा और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बोल के एक एंटीबायोटिक आते हैं, जीवाणुनाशक आते हैं, उस एंटीबायोटिक को 6 ग्राम का पाउच मिलता है और 6 ग्राम का पाउच 30 लीटर पानी में मिला के उसको स्प्रे करना पड़ेगा। ये दो स्प्रे का जो अंतर है वो 10 से 15 दिन होना चाहिए। जो सीत झुलसा रोग है उसका क्या लक्षण है, जो पानी है, पानी का स्तर है, तना और पानी का जो लेवल है, उस लेवल के ऊपर से इस टाइप का धब्बे सीत में दिखते हैं और ये धीरे 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 ऊपर पहुंचते हैं। इसको रोकथाम के लिए टेबुकोनाजल 50% और ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 25% मिला के और उसको 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिश्रण करके उसको स्प्रे करना पड़ेगा 1 से 2 बार 10 से 15 दिन के अंदर। ये मेरा हाथ पे जो बलिया है इसमें बैक्टीरियल पैनिकल ब्लाइट, जो जीवाणु झुलसा रोग पैनिकल में जो होते हैं, ये ज़्यादातर ये आप देखिए इसमें कैसे धब्बे ब्राउन कलर के धब्बे दाने में होते हैं और ये तो शुरुआत में, उसके बाद धीरे धीरे दाना बिल्कुल ही ब्राउन हो जाएगा जैसे ये मेरा हाथ पे है और कभी कभी इसमें जो दाना भी पुष्ट नहीं होते, इसका अंदर जो मिल्क होते हैं वो नहीं होता, इसीलिए ग्रीन जो है चफी हो जाते हैं। बालिया निकालने से पहले ही एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर जल में पानी में मिला के उसको स्प्रे करना पड़ेगा और एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बोल के एंटीबायोटिक आते हैं, उसका 6 ग्राम प्रति 30 लीटर पानी में मिला के और उसको स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन बालिया निकालने के बाद एक कॉम्बिनेशन फंगिसाइड है जो टेबुकोनाजल 50% और ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 25% एक इसका मिश्रण मिला के स्प्रे करना पड़ेगा। किशन भाइयों, अभी हम बात करेंगे लिप ब्लास्ट बोलते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे जिसका 3 दशा है, एक तो जो पत्ते में होते हैं उसको लिप ब्लास्ट बोलते हैं और उसमें जो धब्बे होते हैं बादामी कलर का, ब्राउन कलर का, वो धब्बे के अंदर जो है उसमें ग्रे कलर के होते हैं और हल्का बादामी कलर होते हैं, हल्का ब्राउन कलर होते हैं और चारों तरफ डार्क ब्राउन कलर की उसमें मार्जिन होते हैं। उसके और उसके बाद एक तना में होते हैं, तना में पर्टिकुलरली तना में जो नोडल पोर्शन है उसी टाइप का लंबा सा जो ब्राउन कलर का लेशन धब्बे दिखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो बालिया निकालने के बाद बालिया का जो नेक है, जो गर्दन है, उसमें भी उस टाइप का धब्बे होते हैं, उससे वो बालिया बिल्कुल गिर जाते हैं और उसके लिए इसका नाम है गर्दन तोड़ बीमारी है। इसको रोकथाम के लिए ट्राई स्लाय का जल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला के इसका स्प्रे करना पड़ेगा और एक मिश्रण मिलता है जो टेबुकोनाजल 50% और ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 25% और 25% इसका जो घोल मिला के उसको भी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में स्प्रे करना पड़ेगा।